ये सर्टिफिकेट भी वहाँ से मिला हुआ है कल, और इसके असल चेक इतना बड़ा है नहीं, और राशि इतनी बड़ी नहीं है। दरअसल चेक तो बहुत बड़ा है, ये देख सकते हैं आप। ये चेक मिला है मुझे 10,000 का। और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शूट हो रहा है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, बिजी था। तो दरअसल जो मैंने स्वरोजगार कर रखा है, मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन एवं ऑर्गेनिक सब्जी पे, तो उस पर आज मुझे ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया गया है, क्योंकि हमारे गेवाड़ में कृषि महोत्सव चल रहा है बहुत बड़े स्तर पर, तो वहाँ मुझे सम्मानित किया गया। और एक मुझे ये सर्टिफिकेट भी वहाँ से मिला हुआ है कल, और इसके साथ साथ ये सर्टिफिकेट के साथ साथ मुझे एक चेक भी मिला। और दरअसल चेक इतना बड़ा है नहीं, और राशि इतनी बड़ी नहीं है, दरअसल चेक तो बहुत बड़ा है, ये देख सकते हैं आप। ये चेक मिला है मुझे 10,000 का, और आपके लिए राशि मायने नहीं रखती है, पुरस्कार पुरस्कार होता है, छोटा या बड़ा जितना भी हो। दरअसल इससे क्या होता है कि हमारा हौसला तो बढ़ता ही, जो हम धरातल पर कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारी वीडियो देखते हैं उनका हौसला और भी ज़्यादा बढ़ता है, कि अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो उसमें हमको प्रोत्साहन मिलता है और सरकार से मदद भी मिलती है, सपोर्ट भी मिलता है। तो आगे आपको दिखाते हैं अपनी, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ था मेरा मुर्गी फार्म, इसमें प्याज की खेती हो रही है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। और तो मैंने जो अपने यहाँ क्षेत्र में किया है मछली पालन, और मछली पालन का एक टैंक ये है छोटा वाला, और यहाँ मेरे अभी मटर हो रहे हैं, यहाँ राई फूल गई है, और एक तालाब है ये वाला बड़ा वाला, इसके बगल पर मैंने फूल भी लगा रखे हैं, दरअसल देख सकते हैं। तो ये है बड़ा वाला फिश पाउंड, ये देखिए ये बड़ा फिश पाउंड है, ये मुझे मत्स्य अपने ब्लॉक स्तर से मिला हुआ था। ये है बड़ा टैंक, इसमें बड़ी काफ़ी बड़े मात्रा में मछलियाँ हैं। ये है मेरा ग्रीन हाउस, जिसके अंदर खीरा वगैरह हो रहा है। तो अभी और साग सब्जी वगैरह दिखाते हैं आपको। और आगे मैंने यहाँ पोलिया हाउस के अंदर मैंने खीरा कर रखा है उत्पादन अभी, और ये देख सकते हैं। और आगे यहाँ नीचे पूरा सब्जी वगैरह लगा रखी है, नीचे जो है मेरा पूरा खेत सब्जियों से हरा भरा रहता है। ये है वो लहसुन, एक लहसुन इतना बड़ा हो गया है, आगे तक है वो उधर साइड से लेकर, ये देख सकते हैं इस साइड में लहसुन है, उस नीचे में प्याज हो रखा है, ये बीच में आप धनिया देख रहे होंगे, और ये ऊपर भी धनिया देख रहे होंगे, आगे लहसुन के साथ भी धनिया है, ये ऊपर लहसुन वगैरह है उधर को, और आगे वाले में मेथी है, नीचे प्याज वगैरह है। इसके साथ साथ सब्जी के साथ फूल लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सब्जियों पे कीटनाशक आते हैं वो फूलों पे बैठ जाते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ तक है लहसुन, यहाँ से आप देख सकते हैं आगे हो रहे हैं गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी। और ये मैंने अपने गाय भैंसों के पानी पीने के लिए बना रखा है दरअसल, और ये बकरे फार्म बन रहा है नया, ये है देख सकते हैं, इनके साथ साथ मैंने गाय भैंस भी रखे हुए हैं। एक भैंस ये है, ये थोरी है, ये कटड़ी है, ये भैंस है, और ये थोरी है, और ये है गाय आगे। और जो मैं ये प्योर ऑर्गेनिक गोबर का इस्तेमाल करता हूँ वो मैं दरअसल आपको दिखाना चाहता हूँ। इस तरीके से मैंने ये टैंक बना रखा है बर्मी कंपोस्ट, और इसमें हम गोबर को डीकम्पोज करते हैं, उसी के बाद खेतों में डालते हैं इसको, इस गोबर को डीकम्पोज होने के बाद। और ये बन रहा है नया फार्म मेरा, मुर्गी फार्म और बकरी फार्म, बाड़ा कह सकते हैं आप इसको। तो ये थे हमारी गाय भैंस, और मछली का मैंने आपको दिखाई दिया है, गाय भैंस भी मैंने काफ़ी स्तर पर रखी हुई है, देख सकते हैं, ये देखिए, और ये थोड़ी है, ये भैंस है इस तरीके से। और ये इनके लिए यहाँ पर पानी पीने का बना है, आगे मैंने सब्जी उत्पादन का दिखाई दिया है, ये हमारा घर खूबसूरत। अब मैं आपको दरअसल दोस्तों फाइनली मैं अपनी बकरियों को भी लेके आ गया हूँ जंगल में, अब दिखाता हूँ आपको मेरे पास अभी कितनी बकरियाँ हैं। और जिन स्वरोजगार के बरादर मुझे आज अपने चकुटिया ब्लॉग में सम्मानित किया गया था, वो दिखाता हूँ आपको अपनी बकरियाँ। तो बकरियाँ चर रही हैं, वो देखिए एक ढेपरा भी है, और ये जा रही हैं बकरियाँ, ये है खसी खाड़ू जिसको बोलते हैं, लाख सॉरी लाख। और ये देखिए ये हैं बकरियाँ यहाँ जा रही हैं, ये देखिए
ले ले तो वो आ रही है। आ, आ, ए, ये मेरा ब्रीडर है अभी जो आ रहा है। आ, ए, ये देखिए ये अभी मेरे पास जो ब्रीडर है बकरियों के लिए वो है अभी ये देखिए ये मैंने अपने बकरियों के लिए ब्रीडर रख रखा है। खुद ही का ब्रीडर है ये, बनाया हुआ तैयार किया हुआ, मतलब इन्हीं बकरियों से रेडी किया हुआ है। उस वाले बकरी को क्रॉस करा के ये देखिए ये है ब्रीडर और खाड़ू। ये दरअसल जो ब्रीडर है ना वो इस बकरी का है, ये काली वाली बकरी का, और ये क्रॉस हुई थी इस वाले से जिसको मैंने अभी लख बना दिया, इसको मैंने लख बना दिया है। तो इसी का ये उस वाली बकरी का और इस बकरे का मिलके ये क्रॉस ब्रिड ये तैयार हुई है जो जा रही है सामने। तो ये हैं बकरियाँ, अभी मैं इनको चराने के लिए लाया हूँ जंगल में, ले जाता हूँ पहले। अभी दरअसल ये भूखे हैं, पहले इनके पेट भरेंगे फिर आगे मिलते हैं आपको जब इनका थोड़ा सा पेट भर जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे उसके बाद आगे। तो अब देखिए बकरियाँ थोड़ा धीरे धीरे कम भागती हैं, जब उनके पेट में थोड़ा बहुत चारा चले जाता है तो उसके बाद थोड़ा कम भागती हैं बकरियाँ जो है, नहीं तो पहले ये इतने स्पीड भागते हैं कि आप इनको चराना मुश्किल हो जाता है, बहुत चचा चचा बहुत स्पीड से भागते हैं। और वहाँ देखिए ऊपर वो भी है, ये देखिए आगे जी। तो अब तो है बकरियाँ थोड़ा धीरे कम भागती हैं, नहीं तो पहले पहले क्या है बहुत स्पीड से भागते हैं बकरियाँ। और ये है हमारी कौली, वो है ऊपर लाख ब्रीडर, और ये मेरी सबसे पहले की बकरी है जिससे मैंने स्टार्ट किया था। ये देखिए इसके दो बच्चे होते हैं, वो जो कवरन कवरन है ऊपर उसके भी दो होते हैं, और ऊपर एक काली काली सी दिख रही थी उसके भी दो हुए हैं, और बाकी बकरियों के फिलहाल तो एक एक हुआ है। उसने भी दो दिए हैं जो वहाँ पर सफ़ेद काली धार में दिख रहा है, इसने भी दो दिया है, और एक और बकरी है वो आगे ऊपर पेड़ के वहाँ पे है काले रंग की, उसके भी दो बच्चे हुए हैं, और बाकी के तो एक एक बच्चे होते हैं। तो ये है, तो इस तरीके से बकरी को जंगल ले जाना पड़ता है चराने के लिए। और आगे वहाँ ब्रीडर चल रहा है ऊपर, ये देखिए बकरियाँ बहुत ही स्पीडी से भागते हैं इधर को, ये देखिए। और मैं अपनी बकरी को दाना पानी क्या क्या खिलाता हूँ वो तो मैं आपको वो YouTube के माध्यम से बताते रहता हूँ। तो यही थी आज की वीडियो, फाइनली अब बकरियाँ जंगल से चर के आ गई हैं घर के लिए। चल जा रही हो, अरे चल 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 अरे चल 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 अरे। तो दोस्तों ये थी मेरी स्वरोजगार वाली वीडियो, और इसी स्वरोजगार में थोड़ा बहुत सक्सेस पाने के बाद ही मुझे ब्लॉग स्तर पे यह पुरस्कार मिला। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी मोटिवेशनल भरी वीडियो और स्वरोजगार भरी वीडियो आती रहे। थैंक यू सो मच।